आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बड़वानी के नगरीय निकाय चुनाव प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आ चुका है। बड़वानी जिले में 7 नगरीय निकाय क्षेत्र में से 6 जगहों पर बीजेपी को मिली है बढ़त। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अब आपको बता दें जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का आया फैसला, कहीं पर खुशी तो किसी के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली है। वहीं अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो 7 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 6 जगह पर भाजपा को बढ़त मिली है। वहीं पलसुद की बात की जाए तो पलसुद में कांग्रेस को बढ़त मिली है। इसी बीच मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जश्न का माहौल है। भाजपा को बड़ी जीत मिली है, जिसके चलते यहाँ पर जश्न का माहौल है। वहीं हमारे साथ में भाजपा के लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो नतीजे आए हैं वो क्या कहते हैं, जो नतीजे आए हैं क्या कहेंगे। इस बार के जो नतीजे हैं वो विकास के आधार पर है। मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, हमारा संगठन काम कर रहा है। पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर यह चुनाव विकास के आधार पर है। और इसलिए जनता को विश्वास था कि कहीं ना कहीं बड़वानी में विकास के क्रम में बड़वानी जिला अग्रणी रहा है और इसलिए जनता ने भी इस बार स्थानीय प्रशासन के चुनाव में, जहाँ पर पार्षदों के चुनाव है, जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव है, इसलिए वहाँ पर भी जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। पूर्व में जनपदों के चुनाव में 7 जनपद जो जिले की जनपदें थी वहाँ पर भी ग्रामीण अंचलों में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों में पक्ष में मतदान हुआ और 7 जनपद 100% जनपद भारतीय जनता पार्टी की बनी है। वहीं 2 नगर परिषदों के चुनाव थे जहाँ पर ठिकरी पहली बार नगर परिषद बनी थी, वहीं निवाली पहली बार नगर परिषद बनी थी। पहली बार इलेक्शन हुआ और पहली बार नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी है। इसका विश्वास ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश भी हैं और लोगों को इसकी सरकार का लाभ भी मिल रहा है। और निश्चित तौर पर आज जो निर्वाचन हुआ है बड़वानी जिले के 7 जगह पर निर्वाचन हुआ है, 7 में से 6 जगह पर पूर्ण बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, परिषद भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के हमारे हजारों लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ये जीत कार्यकर्ताओं की, हमारे विकास की नीतियों की जीत। बिल्कुल बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन वार्ड क्रमांक 9 की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली। इसी वार्ड से आप भी आते हैं, राज्यसभा सांसद भी आते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव स्थानीय भी रहता है, ये चुनाव स्थानीय कुछ समस्याओं को लेकर भी रहता है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों में उसका असंतोष रहा हो। फिर भी यहाँ पर पहले भी कांग्रेस के पार्षद जीते हैं, ये वार्ड पहले भी कांग्रेस युक्त रहा है, विगत 2-3 टर्न में ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, तो स्थानीय कुछ चीज़ें हो सकती है। निश्चित तौर पर ये वार्ड नंबर 9 भी भारतीय जनता पार्टी का है इस विश्वास के आधार पर, परंतु पहले से गढ़ ये रहा है कांग्रेस का, पर परिणाम थोड़े से ऊपर नीचे हुए, पर निश्चित तौर पर यहाँ विधानसभा चुनाव आने वाले इसमें इससे जो अभी नतीजा है इसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर ये अभी क्वार्टर फाइनल मैच है, क्वार्टर फाइनल में जिस प्रकार से जनपद हमने 7 जीती है, नगर परिषद और नगर पालिकाएं जिस प्रकार से 9 जगह थे, 9 में से हम 8 जगह पर हमारी नगर पालिकाएं बनी है, तो निश्चित तौर पर क्वार्टर फाइनल जीते हैं तो सेमीफाइनल भी हम जीतेंगे। 2023 हमारा सेमीफाइनल है और 2024 हमारा फाइनल मैच है। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल जीते हैं तो सेमीफाइनल भी जीतेंगे। भाजपा विधानसभा में जीत का दावा कर रही है, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो अभी परिणाम आए हैं इसका नतीजा क्या विधानसभा में देखने को मिलता है।